हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के बारे में। तो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम कैसे किसी भी HTML पेज, किसी भी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ASP.NET कोर एप्लीकेशन में HTML एजिलिटी टूल को यूज़ करके वेब स्क्रैपिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो वेब स्क्रैपिंग के लिए हम वेबसाइट जो यूज़ करने वाले हैं, जिस वेबसाइट को हम स्क्रैप करने वाले हैं, वो वेबसाइट आप मेरी लैपटॉप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ट्यूटोरियल लिंक वेबसाइट है जहाँ पे हमें बहुत सारे ब्लॉग्स की लिस्ट यहाँ पे एक हम देख पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे रिसेंट पोस्ट की एक लिस्ट है। तो हम इन ब्लॉग्स के डेटे को स्क्रैप करने की कोशिश करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को, लाइक जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो इन ब्लॉक की लिस्ट को हमें स्क्रैप करना है। तो हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे और एक पैटर्न को फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। तो वेब स्क्रैपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी भी HTML को एक्स पाथ के थ्रू या फिर उसके कुछ यूनिकनेस के थ्रू अपने एप्लीकेशन में ट्राई करने की कोशिश करते हैं एंड देन उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इसी के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो ये ब्लॉक की लिस्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे होवर कर पा रहा हूँ, इसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर से, राइट। तो अगर हम यहाँ पर एक पैटर्न को देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंस्पेक्ट विंडो में जितने भी हमारे ब्लॉग की लिस्ट है, ब्लॉग आइटम है, वो एक कंटेनर में है, राइट। और कंटेनर की जो क्लास है वो कूपन मेन कौन सी एंड कौन के नाम से एक क्लास है जिसमें वो सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड है, राइट। पूरी की पूरी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर इसका फर्दर इसे ओपन करें, एक्सपेंड करते हैं किसी एक कंटेनर को, तो उसमें हम देख पा रहे हैं इनसाइड दैट कंटेनर हमारे पास फिर से दो एलिमेंट्स हैं, राइट। एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट में अगर होवर करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इमेज जो है हमारी हाईलाइट हो रही है, और सेकंड पे अगर मैं होवर करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे द अदर डिटेल, लाइक उसका टाइटल, उसका ऑथर और पब्लिश डेट यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो हमारे पास फर्दर दो एलिमेंट्स हैं जिसमें से एक एलिमेंट हमारा इमेज कंटेन कर रहा है, राइट। दूसरा फर्दर डिटेल्स कंटेन करता है। अगर इमेज वालों को हम ओपन करें तो हमें फिर से एक कंटेनर मिल रहा है, उसके अंदर कूपन इमेज क्लास नाम से, उसके अंदर एक एंकर टैग है, देन हमें एक इमेज टैग मिल रहा है, राइट। तो इसे बंद कर देते हैं। और सेकंड कंटेनर में जिसमें डिटेल्स, फर्दर डिटेल्स अगर उससे हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें हमें दो एलिमेंट मिल रहे हैं, ओके। फर्स्ट एलिमेंट पे जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे उसमें सिर्फ टाइटल है। तो अगर इसे फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे ओपन करते हैं तो एंकर टैग यहाँ पे मिल रहा है और टाइटल यहाँ पे मिल रहा है। दूसरे एलिमेंट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें ऑथर की डिटेल मिल जा रही है। हेयर यू कैन सी यहाँ पे एक एंकर टैग है, इसके अंदर ऑथर की डिटेल है और यहाँ पे हमें डेट भी मिल जा रही है। तो आज हम इस डेटा को, इस ब्लॉग की लिस्ट को हम एक्सट्रैक्ट स्क्रैप करने वाले हैं अपनी .NET कोर एप्लीकेशन में HTML एजिलिटी पैकेज को यूज़ करके, ओके। तो चलिए गाइज, विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो ये कम्प्लीटली एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एप्लीकेशन है। तो इसे रन करके देखते हैं अभी राइट नाउ हमारे पास इस एप्लीकेशन में क्या है। जल्दी से इसे रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट दे रहा है करंट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कम्प्लीटली ब्लैंक एप्लीकेशन है, जैसे वेलकम और एक .NET एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे .NET कोर का एक डॉक्यूमेंटेशन का इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है। तो इसे क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं अपने एप्लीकेशन को और प्रोसीड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की ओर। तो सबसे पहले हमें वेब स्क्रैपिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, HTML एजिलिटी नगेट पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए एंड गो टू द मैनेज नगेट पैकेज। तो यहाँ पे हमें जाके हमें उस नगेट पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके। तो वो नगेट पैकेज यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल्ड है, हियर यू कैन सी।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारी एप्लीकेशन एकदम स्क्रैच एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं है। तो और हमने ऑलरेडी HTML एसिलिटी पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा UI बनाएंगे, जहाँ से हम यूज़र की इनपुट को लेंगे, लाइक द वेबसाइट की डिटेल हम लेंगे, जो उनसी वेबसाइट की डिटेल यूज़र को स्क्रैप करनी है। और फिर हम थोड़ा UI बनाएंगे टू डिस्प्ले द स्क्रैप डेटा, जो भी डेटा हम स्क्रैप करने वाले हैं उसे दिखाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे UI बनाने वाले हैं। तो पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम एक इनपुट टेक्स्ट एरिया, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, जिसके थ्रू हम डेटा को स्क्रैप करने वाले हैं। तो इसका टाइप होगा टेक्स्ट, ओके, और प्लेस होल्डर यहाँ पे डाल देते हैं, प्लीज एंटर वेबसाइट, वेबसाइट URL, ओके, एंड एक सबमिट बटन और लेंगे हम यहाँ पे, टाइप इनपुट ऑफ टाइप सबमिट, राइट। तो जब भी, जैसे ही यूज़र इस सबमिट बटन को क्लिक करेगा, ओके, यहाँ पे हमें टाइप टल भी लेना पड़ेगा, जस्ट टू डिस्प्ले द नेम, सबमिट और स्क्रैप, स्क्रैप वेबसाइट, ओके, ठीक है। तो जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, हमें यहाँ पे एक URL को यहाँ पे हिट करना पड़ेगा, फंक्शन को हिट करना पड़ेगा, राइट। तो एक्शन विल बी द आवर फंक्शन, जो हम फंक्शन यहाँ से कॉल करेंगे व्हेन यूज़र क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो स्क्रैप वेबसाइट के नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि हम यहाँ पे कॉल करेंगे व्हेन यूज़र क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ओके। तो ये इस पार्ट से हम यूज़र की इनपुट लेंगे, कौन सी वेबसाइट उसे स्क्रैप करनी है। और एक यहाँ पे UI बना लेते हैं, डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हम स्क्रैप करने वाले हैं उस इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा UI बना लेते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे एक HTML टैग ले लेता हूँ, आउटपुट स्क्रैप आउटपुट, स्क्रैपिंग आउटपुट, ओके, तो स्क्रैपिंग आउटपुट वी गोना डिस्प्ले हेयर। तो यहाँ पर हम एक कोर कंटेनर ले लेते हैं, जिसके अंदर हम डालते हैं स्टार्टिंग में नो डेटा फाउंड, ओके। अगर हमें कोई डेटा मिलेगा स्क्रैप से, देन वी विल डिस्प्ले दिस डेटा, दैट डेटा ओवर हियर। तो जैसे कि हमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, हम ये ब्लॉग की वेबसाइट को स्क्रैप करने वाले हैं, और इन सब ब्लॉग्स, जितने भी आपको ये ब्लॉग्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम स्क्रैप करने वाले हैं। तो जो जो डेटा हम स्क्रैप करने वाले हैं, उसके लिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं टू डिस्प्ले दैट डेटा। सो वी आर गोइंग टू स्क्रैप द इमेज, तो इमेज हम स्क्रैप करेंगे, ओके, ABC इमेज, वट एवर द इमेज इज। सेकेंड टाइटल वी गोना स्क्रैप, सो टाइटल कम हेयर, ओके, एंड ऑथर का नेम हम स्क्रैप करेंगे, एंड द पब्लिश डेट हम स्क्रैप करने वाले हैं, ओके। सो दीज डिटेल वी गोना स्क्रैप, तो ये सब डिटेल्स हम यहाँ पे स्क्रैप करने वाले हैं। तो चलिए एप्लीकेशन पे और हमारे कंट्रोलर पे चलते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं जो इन डिटेल को स्क्रैप करेगा। तो यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर था, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे यूज़ की नहीं है, तो उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। तो ये सब हमें नहीं चाहिए, वी जस्ट रिक्वायर द इंडेक्स पेज, राइट। तो हमें सिर्फ इंडेक्स पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारी स्क्रैपिंग को परफॉर्म करेगा, और रिटर्न सेम हमें व्यू पे रिटर्न कराना है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज़ द एक्शन रिजल्ट ओनली। और फंक्शन का नेम हम लेने वाले हैं स्क्रैप वेबसाइट, और ये फंक्शन हमारा एक पैरामीटर रिसीव करेगा, वेबसाइट, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ये हमारा एक्सेप्ट करेगा, वेबसाइट स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा फंक्शन अगेन हमारे व्यू को ही,
क्योंकि हमें व्यू में ही डेटा डिस्प्ले कराना है। जो भी व्यू हम सेम व्यू में हम डेटा दिखाने वाले हैं तो सेम व्यू को हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हमें चार आइटम्स हमें उस वेबसाइट से स्क्राइब करनी है और चार आइटम को यहाँ पे दिखाना है, तो इसके लिए हमें एक व्यू मॉडल भी रिक्वायर होगा। तो आइए एक मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल यहाँ पे हमारे पास फोल्डर है, इसमें एक क्लास बना लेते हैं ब्लॉक डेटा के नाम से, जहाँ पे हम उन सारी डिटेल्स को सेव करके और अपनी यूआई पे सेंड करेंगे। तो एक क्लास बना लेते हैं ब्लॉक डेटा के नाम से, ओके, और सेव करते हैं। तो अगेन ये क्लास हमारी सेम प्रॉपर्टी, जो जो प्रॉपर्टी हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, जो डेटा हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कंटेन करेंगे। तो पहले चीज़ तो हम यहाँ पे इमेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो वी कैन से ब्लॉग इमेज, दूसरा हम टाइटल यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, राइट। तो टाइटल वी गोना एक्सट्रैक्ट, थर्ड वी गोना हम तीसरा उसका ऑथर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ओके, तीसरा हम ऑथर को ऑथर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, एंड फोर्थ जो है हम उसका डेट, पब्लिश डेट को, पब्लिश डेट को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हम सभी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लेंगे, ऑल दिस प्रॉपर्टी वी गोना यूज देयर। और जो हमारा स्क्रैपिंग का फंक्शन होगा वो फंक्शन रिटर्न करेगा हमारे व्यू को एक लिस्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो ब्लॉक डेटा, ब्लॉक डेटा लिस्ट एक यहाँ से हम रिटर्न करेंगे अपने व्यू पे, राइट, एग्जैक्टली। तो ये हम लिस्ट हम यहाँ से अपने व्यू पे रिटर्न करेंगे टू डिस्प्ले द डेटा। तो बाइंड कर लेते हैं, जो लिस्ट यहाँ से हमें आई रिसीव होगी उसे बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल, और क्योंकि हम लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एन्यूमरेबल लेना पड़ेगा, एन्यूमरेबल, और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा अपना मॉडल का नेम। सो वेब स्क्रैपिंग डॉट मॉडल डॉट ब्लॉक डेटा, राइट। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा लॉजिकल एंड पे भी कर देते हैं, इफ मॉडल डॉट लेंथ मॉडल डॉट काउंट नॉट इक्वल है जीरो, इफ इट्स नॉट इक्वल है जीरो तो हम डेटा को दिखाएंगे, इफ अगर ये डेट इक्वल टू है जीरो देन वी विल डिस्प्ले नो डेटा फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे अब हम एक लूप लगाते हैं, कैनॉट अप्लाइड मेथड ग्रुप, ओके, दिस इज अ फंक्शन एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स गिविंग एरर, या तो काउंट एक फंक्शन है तो इस वजह से एरर दे रहा था। तो अब यहाँ पे एक फॉर ईच लूप यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम आवर मॉडल, जो भी हमें डेटा मिलेगा वहाँ से उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो ब्लॉक डेटा हमें यहाँ पे रिसीव होगा, राइट, तो उसे हम यहाँ पर बाइंड कर सकते हैं। तो इमेज, ब्लॉक इमेज हम यहाँ पे दिखाएंगे, ब्लॉक का टाइटल यहाँ पे आएगा, ऑथर यहाँ पे दिखाने वाले हैं हम, और पब्लिश डेट यहाँ पे आने वाली है, राइट। तो पब्लिश डेट यहाँ पे हम बाइंड करने वाले हैं, ओके। तो हमारा बेसिक यूआई एक रेडी हो गया है, तो आइए इसे रन करके देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ दिख रहा है, सबमिट का बटन है, स्क्रैपिंग आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड नो डेटा फॉर्म। तो ठीक है, यूआई हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसे थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। तो
थोड़ा सा इसे अच्छा बना देते हैं यूआई को, जो देखने में ठीक लगे हमें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास यूआई भी हमारा बेटर हो गया। तो लेट्स ट्राई कि हमने जो फील्ड बनाया है वो डेटा को सेंड कर रहा है। लाइक हमें ट्यूटोरियल लिंक को यहाँ पे स्क्राइब करना है, तो ट्यूटोरियल लिंक को डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमें एक एरर मैसेज आ रहा है। देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पोस्ट टाइप का एक्शन रखा है और यहाँ पर आई थिंक नेम डिफरेंट हो गया शायद, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्क्रैपिंग, यहाँ पे होम एंड द वेबसाइट द नेम वी नीड टू टेक। तो इस HTML टैग में हमें नेम इक्वल टू वेबसाइट, टाइटल इक्वल टू वेबसाइट, राइट। तो वेबसाइट को यहाँ पे हमने डाला, अभी भी एरर दे रहा है। लेट्स सी क्यों एरर दे रहा है। यहाँ पे डिबग लगाते हैं, वेबसाइट यहाँ पे आना चाहिए, राइट। हाँ, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास डिबगर आ गया, और अगर हम वेबसाइट को ओवर करो तो हमें वैल्यू भी मिल रही है। जो भी वैल्यू हमने उस टेक्स्ट एरिया में डाली है वो वैल्यू हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है, राइट। तो इसे प्रिंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें व्यू रिटर्न करने में इशू दे रहा है, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स व्यू रिटर्न करना है, राइट। सो व्यू नेम इज इंडेक्स एंड नाउ द सेकेंड इज द मॉडल। तो यहाँ पे इंडेक्स डालेंगे, सेव करेंगे, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, पेस्ट करेंगे वैल्यू को, सबमिट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर सब चल रहा है या नहीं चल रहा। तो वेबसाइट यहाँ पे आ रही है और ये हमें डेटा भी रिटर्न कर रहा है, राइट। डेटा नहीं रिटर्न कर रहा, मतलब पेज को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब आप चलते हैं स्क्रैपिंग के कोड के ऊपर, स्क्रैपिंग कैसे हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमें ऑलरेडी वेबसाइट, अगर हम यहाँ पे वेबसाइट डालेंगे, जैसे कि हमारे ट्यूटोरियल लिंक वेबसाइट को हम स्क्रैप करना चाह रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे वेबसाइट को डालते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट आ रहा है। तो हमें क्या करना है, HTML Agility पैकेज को यूज़ करके इस वेबसाइट का सारा HTML को एक्सट्रैक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन में, अपनी एप्लीकेशन में। और उसके बाद हम जो भी हमें HTML मिलेगा उसकी नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे, नोड को ट्रैवर्स करके उनके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा उस Agility पैकेज को यहाँ पे। तो टॉप में हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो अब इस वेब स्क्रैपिंग फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे HTML वेब का। तो वेब इक्वल टू न्यू HTML वेब। ओके, सो ये जो HTML वेब क्लास है इसके अंदर एक फंक्शन है जिसे हम यूज़ करेंगे लोड फंक्शन को, जो फंक्शन एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न करता है पूरा का पूरा HTML डोम। तो उस स्ट्रिंग में बेसिकली हम एक URL पास करते हैं किसी वेबसाइट का, जो कि हमें कंप्लीट HTML डोम प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं, तो हमें पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट वो रिटर्न करने वाला है, HTML डॉक यहाँ पे रिटर्न करेगा, जो फंक्शन हम यहाँ पे लोड फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे। तो लोड, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रिटर्न, ये एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग URL, राइट। तो स्ट्रिंग हम यहाँ पे वेबसाइट को पास कर देंगे, और अगर आप यहाँ पे होवर करो तो आप देख पा रहे हो HTML डॉक्यूमेंट ये हमें एक रिटर्न करेगा। तो कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट ये यहाँ पे हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसमें से फाइंड आउट करना है नोड्स को, तो ये कंप्लीट HTML दे देगा। अब इस HTML के अंदर हमें सेलेक्ट करना है जो उन सा भी डेटा हमें, मतलब कंप्लीट HTML जो भी HTML, अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो इस वेबसाइट को, जो ये आप HTML देख पा रहे हो, हम उस लोड फंक्शन से इस कंप्लीट HTML को अपनी एप्लीकेशन में एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अब हमें फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को हमें स्क्रैप करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमें स्क्रैप करना है इन कूपन मेन कोन नाम के एलिमेंट्स को, इस कंटेनर्स को हमें यहाँ पे स्क्रैप करना है। तो हम फाइंड करते हैं नोड को, नोड एलिमेंट
तो हम यहाँ पे HTML doc यूज़ करेंगे। तो HTML doc के अंदर हमारे पास document node एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम एक select node करके एक फंक्शन होता है, और ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करता है, XPath एक्सेप्ट करता है। मतलब आप इन एलिमेंट्स का XPath अगर आप वहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो वो फंक्शन आपको वो स्पेसिफिक एलिमेंट निकाल के दे देगा। तो XPath आप कैसे निकाल सकते हो, तो इंस्पेक्ट टूल में आप जाओगे, जैसे कि ये हम एक एलिमेंट देख रहे हैं, इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे, कॉपी पे जाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपी XPath, अगर आप यहाँ से कॉपी XPath करोगे तो ये उस स्पेसिफिक एलिमेंट का XPath आपको निकाल के दे देगा। बट इस सिनेरियो में आपको सिर्फ इस सिंगल एलिमेंट का XPath मिलेगा, और जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये सिंगल एलिमेंट मिलेगा, ये कंप्लीट ये सारे HTML सारे एलिमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका XPath इस स्पेसिफिक एलिमेंट का है। बट हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें जितने भी कंटेनर हैं एलिमेंट हैं जो एक स्पेसिफिक क्लास कंटेन करते हैं, वो सब हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना XPath देंगे, वो थोड़ा अलग तरीके से देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि हमें क्या निकालना है। तो बेसिकली हमारा जो XPath होगा वो दैट विल बी लाइक दिस, हमें div निकालने हैं जहाँ पर वेयर क्लास इक्वल हो किसके, जो भी हमें यहाँ पे क्लास दिख रही है। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे क्लास को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, सिंगल कोट में हम ये यूज़ करेंगे, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेलेक्ट नोड फंक्शन है, हमें सारे एलिमेंट देगा जो भी उस डोम के अंदर एलिमेंट इस क्लास से मिलेंगे, ये सभी के सभी एलिमेंट हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक लिस्ट एक कलेक्शन मिलने वाला है। अगर यहाँ पे हम होवर करें तो आप देख पा रहे हो HTML नोड कलेक्शन यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जहाँ पर ये क्लास यूज़ हो रही होगी। ओके, तो नाउ अब हमें सारे के सारे एलिमेंट मिल गए हैं, अब हमें उन एलिमेंट्स को रिट्राइव करना है, उन एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, उनके इंटरनल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। क्योंकि अभी यहाँ से तो हमें क्या मिला है, हमें सिर्फ आउटर कंटेनर मिला है, हमें ये डिव मिल गया है, ये स्पेसिफिक ये सब एलिमेंट मिल गए हैं, टॉप लेवल पेरेंट जो टॉप लेवल पे एलिमेंट है वो मिल गया, बट हमें डेटा निकालना है जो डेटा इनके अंदर है, राइट। हमें इमेज एंड सो ऑन ये सब निकालनी है, तो वो डेटा इसके अंदर है, राइट। तो अब उसके लिए करते हैं, तो पहले यहाँ तक रन करके देखते हैं और देखते हैं हमें नोड एलिमेंट में क्या मिल रहा है। तो जल्दी से एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या वैल्यूज मिल रही है उसके थ्रू। तो वेबसाइट रन हो गया है, लेट्स एंटर द ट्यूटोरियल लिंक हेयर, क्लिक सबमिट, डिबगर हमारा यहाँ पे आएगा, या डिबगर आ गया है। तो अब इसे वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें क्या क्या डेटा मिलता है उस पेज से। तो वेब डॉट लोड फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे आप देख पा रहे हो HTML doc के अंदर हमें पूरा का पूरा HTML मिल रहा है। तो हाँ, जैसे कि यहाँ पे पार्स टेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख पाओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट। तो कंप्लीट हमें पूरा का पूरा HTML पेज यहाँ पे हमें पूरा मिल रहा है वेबसाइट से, राइट। और नाउ ये लाइन नंबर 28 जो हमारे स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, जहाँ पे क्लास हमारी कूपन मेन कंटेनर के नाम से कौन के नाम से क्लास है। तो यहाँ पे नोड पे अगर ओवर करते हैं तो ये अगेन आप देख पा रहे हो यहाँ पे 20 काउंट आया है, तो मतलब 20 एलिमेंट इसने 20 डिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 20 नोड को एक्सट्रैक्ट किया है उस HTML पेज में से। तो अगर इसे ओपन भी करते हैं किसी एक का HTML देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मिल गया है। तो जो भी हमें नोड जो मैंने आपको नोड दिखाई थी तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अपने हमें यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इमेज टैग भी हमें मिल रहा है, राइट, टाइटल भी मिल रहा है और ऑथर की डिटेल भी मिल रही है, लाइक ऑथर नेम एंड द पब्लिश डेट, राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस डेटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो सबसे पहले इमेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, ब्लॉग इमेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले, ब्लॉग इमेज, ओके। तो अब
हमारा जो नोड है, इस नोड के अंदर जैसे हम ट्रैवर्स करेंगे, ओके एडिट एडिट राइट, तो नोड के अंदर हमें एक और प्रॉपर्टी मिलेगी चाइल्ड की, चाइल्ड एट्रीब्यूट एंड चाइल्ड नोड। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, डेटा निकालते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे डेटा को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे व्यू में ओपन कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं इसे। तो देखिए, तो बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल नोड है, एक एलिमेंट है जो कि हमने ऊपर से एक्सट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे नोड है राइट। तो अब इस एलिमेंट, इस नोड के अंदर हमें चाइल्ड में क्या क्या मिलने वाला है, चाइल्ड में हमें क्या क्या मिलने वाला है उसे थोड़ा देखते हैं। चाइल्ड में क्या है, यहाँ पे लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाओ राइट, तो हमें सिंगल एलिमेंट मिला, ठीक है, चाइल्ड नोड हमें मिल रही है। चाइल्ड नोड में फाइव एलिमेंट्स अगेन हमें मिल रहे हैं, ओके। तो कुछ डिव हैं राइट, दो डिव टाइप के कंटेनर हैं, कुछ टेक्स्ट हैं यहाँ पे राइट। अगर टेक्स्ट को अगर ओपन करें तो टेक्स्ट इज नथिंग, टेक्स्ट ब्लैंक, कुछ जो ब्लैंक स्ट्रिंग आ रही होगी उन्हें ये टेक्स्ट फॉर्मेट दिखा रहा है। टेक्स्ट इज नॉट, अपने यूज़ का नहीं है टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। जो डिव है वो अपने यूज़ का है। तो यहाँ पे डिव पे जैसे मैंने होवर किया तो आप देख पा रहे हो ओपन करने पे यहाँ पे हमें कूपन इमेज का कंटेनर मिल रहा है जिसमें एंकर टैग है और इमेज हमें मिल रही है। और दूसरा जो यहाँ पे कंटेनर है, दोबारा से ओपन करते हैं, तो टेक्स्ट वाले को हमें इग्नोर करना है, टेक्स्ट अपने यूज़ का नहीं है। तो पहले वाले में हमें इमेज मिल रही है और दूसरे वाले में हमें यहाँ पर मिल रहा है, ओके हाँ, ये दूसरे वाले को अगर हम ओपन करें तो हमें यहाँ पे फिर से पांच एलिमेंट मिल रहे हैं, इन्हें चेंज, इन्हें इग्नोर करना है, ओके। इसमें हमें मिल रहा है टाइटल एंड अदर में मिल रहा है हमें ऑथर की डिटेल। तो इस नोड के अंदर फाइव एलिमेंट है, हमने देखा अभी फाइव चाइल्ड हैं राइट। तो हमें इग्नोर कर देना है टेक्स्ट को, सिर्फ डिव टाइप के जो भी नोड हैं उन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो चाइल्ड डॉट, तो हमें इमेज निकालनी है। और हमने देखा यहाँ पे भी, आप ऊपर भी देख सकते हो, ये फर्स्ट चाइल्ड है जो ये करंट जो नोड है हमारी, उसके अंदर एक चाइल्ड ये है दिस वन, सेकेंड चाइल्ड है ये राइट। और इसके अंदर अगर हम इस नोड के अंदर जाएं तो फिर से हमें एक चाइल्ड मिलता है ये राइट, एंड देन उसके अंदर एंकर टैग है एंड देन इमेज है। तो हम इस अपने कोड को इसी तरह से लिख सकते हैं। तो हमें फर्स्ट चाइल्ड चाहिए जहाँ पे जो डिव टाइप का चाइल्ड है राइट। तो चाइल्ड डॉट फर्स्ट एंड डिफॉल्ट, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट एंड डिफॉल्ट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक्स गोज टू डॉट नेम इक्वल टू जो डिव है, ओके डिव निकालें इक्वल टू डिव राइट। तो हमने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस नोड को हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया राइट। अब उसके अंदर से हमें फर्दर एक्सट्रैक्ट करना है। अब हमें उसके अंदर फिर फर्दर चाइल्ड मिलेगा, सिंगल चाइल्ड मिलेगा। तो उसके अंदर भी हमें डॉट डॉट चाइल्ड नोड डॉट फर्स्ट एंड डिफॉल्ट अगेन एक्स गोज टू एक्स डॉट नेम इक्वल टू डिव, ओके। नाउ हम अब यहाँ तक आ चुके हैं, डिव डॉट क्लास कूपन इमेज, अब ये हमें यहाँ तक मिल चुका है, इस नोड तक हमने एक्सट्रैक्ट कर चुका है। अब उसके अंदर हमें मिलेगा एंकर टैग और उसके अंदर मिलेगा इमेज। तो अब हमें किसे एक्सट्रैक्ट करना है, अगेन इसके चाइल्ड नोड पे जाना है, चाइल्ड नोड डॉट फर्स्ट एंड डिफॉल्ट वेयर एक्स डॉट नेम इक्वल है एंकर राइट। तो अब हमें यहाँ पे एंकर मिल जाएगा, एंकर टैग मिल जाएगा। अब उसके अंदर इमेज मिलेगी हमें, अगेन चाइल्ड नोड पे जाएंगे, एंकर टैग के चाइल्ड नोड पे डॉट फर्स्ट एंड डिफॉल्ट तो यहाँ पे एक्स गोज टू एक्स डॉट नेम इक्वल टू तो बेसिकली हम एंकर टैग तक आ गए थे राइट। तो अब हमें इमेज को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इक्वल टू इमेज
इमेज राइट, इमेज एंड इमेज का हमें क्या निकालना है, एट्रीब्यूट निकालना है. तो डॉट एट्रीब्यूट चाइल्ड नोड नहीं निकालना हमें, इसके एट्रीब्यूट निकालने हैं हमें. एट्रीब्यूट्स डॉट अगेन फर्स्ट एंड डिफॉल्ट एट्रीब्यूट कौन सा निकालना है, तो SRC एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट यहाँ पे निकालना है. डॉट एक्स गोज टू एक्स डॉट नेम इक्वल है SRC डॉट वैल्यू. राइट, तो हमें यहाँ पे वैल्यू इसकी सोर्स की निकालनी है. तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट और देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है यहाँ पे. हाँ, तो आप यहाँ देख पा रहे हो हमें यहाँ पे एक इमेज का URL एक लिंक मिल गया है. राइट, तो अगर हम इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, URL पे हिट करते हैं, तो आप देख पा रहे हो इमेज यहाँ पे हमें मिल रही है. राइट, तो ये इमेज हमें यहाँ से मिल रही है. तो ऐसे ही हमें सेम तरीके से हमें टाइटल को भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टाइटल को भी यहाँ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ब्लॉग के. तो अगेन, तो दिस इज़ द फर्स्ट नोड, ये पहली नोड थी राइट, जिसमें से हमने इमेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया है. अब दिस इज द सेकंड नोड, तो इसमें से हमें सेकंड नोड में से हमें एक्सट्रैक्ट करना है टाइटल को. राइट, तो अगेन नोड डॉट चाइल्ड नोड डॉट फर्स्ट नोड थी हमारी इमेज वाली, सेकंड नोड है हमारी जिसमें हमारी अदर डिटेल है, टाइटल ऑथर एंड सो ऑन. सो इसके लिए हम लेंगे लास्ट एंड डिफॉल्ट अगेन एक्स गोज टू एक्स डॉट नेम इक्वल है जहाँ पे है div हमें चाहिए. राइट, क्योंकि टेक्स्ट हमें इग्नोर करना है, टेक्स्ट इज नॉट आवर यूज का, तो इसे इग्नोर, टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं. तो अब इसके अंदर हमें एक और चाइल्ड नोड मिलेगी, div नाम से एक और चाइल्ड नोड मिलेगी. उस चाइल्ड नोड के अंदर एक एंकर मिलेगा, उस एंकर के अंदर से हमें डेटा निकालना है. राइट, तो अगेन चाइल्ड नोड डॉट फर्स्ट एंड डिफॉल्ट, क्योंकि फर्स्ट ही नोड है, क्योंकि अब हमें ये एलिमेंट मिल चुका है, ये दिस वन ये एलिमेंट मिल चुका है. राइट, अब इसके अंदर ये वाली नोड हमारी फर्स्ट नोड है. राइट, तो फर्स्ट एंड डिफॉल्ट एक्स गोज टू एक्स डॉट नेम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डिव डॉट चाइल्ड डॉट. अब इसके अंदर एक एंकर टैग है, अब यहाँ देख रहे हो अब हमें ये नोड मिल चुकी है, अब इसके अंदर एक एंकर टैग है. राइट, तो अब अगेन फर्स्ट एंड डिफॉल्ट एक्स गो टू एक्स डॉट नेम इक्वल एंकर टैग इक्वल ए डॉट. अब हमें इस एंकर टैग का इनर HTML निकालना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं निकालना, इनर HTML टैक्स निकालना है. तो हम यहाँ पे सिंपल लेंगे इनर HTML. ओके, तो इसे भी देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आई है. डिबगर को अपना शिफ्ट करते हैं इस लाइन पे. ओके, आई थिंक मेरा सिस्टम हैंग हो गया है. तो देखते हैं, तो जब जैसे हम टाइटल पे ओवर करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें टाइटल भी मिल गया, बट टाइटल में कुछ ज़्यादा स्पेस हमें मिल रहा है. तो एक काम करते हैं, इसे ट्रिम कर देते हैं, तो जितना भी स्पेस होगा उसे ट्रिम कर देगा. ठीक है, तो अब देखते हैं. राइट, तो हमें टाइटल भी मिल गया है. तो सेम तरीके से अब हमने सेकंड नोड के फर्स्ट एलिमेंट से हमने टाइटल को निकाल लिया है. अब सेकंड एलिमेंट जो है कूपन टैग, अब उसमें से हमें ऑथर की डिटेल और पब्लिश डेट निकालनी है. राइट, तो चलो निकालते हैं, अब ऑथर की डिटेल निकालते हैं. ऑथर इक्वल टू सेम तरीके से हमें करना पड़ेगा जो ये था लास्ट था. राइट, तो अब हमें लास्ट इसमें से फर्स्ट एंड डिफॉल्ट से लास्ट हो जाएगा ये. राइट, लास्ट चाइल्ड, तो इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, दिस वन यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं. ओके, एंड यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा लास्ट एंड डिफॉल्ट. तो लास्ट एंड डिफॉल्ट जैसे करेंगे हमें ये वाला नोड मिल जाएगा.
राइट। अब इस नोड के अंदर हमें देखना पड़ेगा, अब इस नोड के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो ये नोड है राइट, इसके अंदर हमें क्या क्या है, कितने एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट है आई टैग, उसके बाद एक स्पैन है, उसके बाद एक एंकर टैग है राइट, और एंकर टैग के अंदर हमें ऑथर की डिटेल मिल रही है, और उसके बाद स्पैन है, और सबसे लास्ट स्पैन में हमें मिल रहा है डेट, पब्लिश डेट। तो हमें पता लग गया राइट कि एंकर टैग मतलब जो ये एलिमेंट जो अभी करंट एलिमेंट हमें यहाँ से मिला है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, जिसमें से एक एंकर टैग टाइप का एलिमेंट है राइट, जिसमें ऑथर का नेम है, और सबसे लास्ट वाले स्पैन में हमें क्या मिलेगा, डेट मिलेगी, तो हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड हमें कौन सा निकालना है, फर्स्ट एंड डिफॉल्ट जो चाइल्ड हमारा ऑफ टाइप है एंकर, सो एक्स गोज टू एक्स डॉट नेम इक्वल टू एंकर राइट, एंड इसका भी इनर एचटीएमएल हमें निकाल लेना है डायरेक्ट, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल आप निकाल सकते हो। इनर टेक्स्ट अगर हम निकालें, मैं दिखाता हूँ, इनर टेक्स्ट में भी सेम वैल्यू आएगी, इनर एचटीएमएल में भी सेम वैल्यू आने वाली है। तो अगर हम इसे होवर करते हैं, अगेन अपने डिबगर को ऊपर लेके जाते हैं, ऑथर पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमें, हाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमें नितिन पंडित भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया है राइट। अब इसकी पब्लिश डेट निकालते हैं, पब्लिश डेट, तो पब्लिश डेट के लिए भी ऊपर वाला कोड हम कॉपी कर लेते हैं, चाइल्ड लास्ट एंड डिफॉल्ट हमें निकालना है राइट, और उसके बाद चाइल्ड निकालना है, और लास्ट स्पैन निकालना है, हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा दिस वन, फर्स्ट एंड डिफॉल्ट को लास्ट एंड डिफॉल्ट, और जैसे कि हमें पता है जो डेट है हमारी सबसे लास्ट स्पैन में है राइट, चाइल्ड के, ये चाइल्ड जो हमारा ख़त्म हो रहा है राइट, इस चाइल्ड के सबसे लास्ट स्पैन में हमारी डेट है राइट, तो हम यहाँ पे स्पैन लिखेंगे, इसका भी इनर कंटेनर इनर डेटा को निकाल लेंगे। तो अगेन अपने डिबगर को ऊपर लेके जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या डेटा आता है, तो पब्लिश डेट, ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम पब्लिश डेट भी निकाल पा रहे हैं राइट। तो सारी डिटेल हमारे पास आ गई है, ब्लॉग नेम निकाल लिया, टाइटल निकाल लिया, ऑथर निकाल लिया, पब्लिश डिटेल निकाल लिया राइट। तो अब इसे हम अपने लिस्ट में ऐड कर लेते हैं राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस वन, ये हमारी लिस्ट है राइट, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ब्लॉग डेटा के नाम से, ओके, डॉट ब्लॉग डेटा, ओके, तो ये सारी डिटेल अपने ऑब्जेक्ट में ऐड कर लेते हैं। तो क्या क्या डिटेल्स हमें ऐड करनी है, ब्लॉग इमेज ऐड करनी है, ओके, ब्लॉग डेटा को यहाँ पे ऐड करना है राइट, तो इसे हम हटा देते हैं, अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है राइट, तो इसे हटा देते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सारा डेटा हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और अपनी लिस्ट को उस डेटा के साथ पॉपुलेट कर दिया है, इस लिस्ट को हम ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न कर ही रहे हैं ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट रिसीव होता है। तो हाँ, तो हेयर यू कैन सी, ओके, कुछ वेरिएबल दो बार आ रहे हैं, ओके, नहीं, हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, आप सारा डेटा, जितना भी डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया था, दोबारा से हम एडिट करते हैं, तो यहाँ पे एक डिबगर लगा लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो जो ब्लॉग लिस्ट अगर आप देख रहे हो, तो हमारे पास 20 इसमें ऑब्जेक्ट राइट, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो हम सारा डेटा, जितना भी डेटा हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना था, सारा डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सेम लिस्ट हम यहाँ पे ट्यूटोरियल लिंक वेबसाइट से जितनी भी आर्टिकल की ब्लॉग की लिस्ट थी और जितना भी डेटा था, उस सारे डेटा को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो आप देख रहे हो राइट। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, तो गाइज बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर इस तरह के लेटेस्ट कंटेंट के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।